हेलो, मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेडिको खैतान लिमिटेड और ये एक अल्कोहल सेगमेंट में काम करती है जिसको हम सिन स्टॉक भी बोलते हैं। सिन स्टॉक मतलब ये बेसिकली पाप वाला स्टॉक है, तो जो भी शराब वराब पीते हैं तो उसको पाप माना जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इसके बिजनेस को, फिर देखेंगे फंडामेंटल्स को और फिर देखेंगे चार्ट में और बाद में लास्ट में देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है शॉर्ट टर्म में और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी कुछ ऑप्शन बनता है या नहीं बनता है। तो ये पूरा जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि अपॉर्चुनिटी आपको मालूम चल जाए। और दूसरी बात है, बिजनेस को मुझे समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एंड तक जो हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो एंड तक पूरा देखिए वीडियो को। तो शुरू करने के पहले एज यूजुअल बता दूं कि ये रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी खरीदने या बेचने का। ये मेरा एक पर्टिकुलर परमानेंट अपना एक रिसर्च है जो आप फॉलो कर सकते हैं, बट खरीदने या बेचने के लिए आप अपना रिसर्च एक बार जरूर कर लें। दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी एक वीडियो हमारी पब्लिश हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो रेडिको खैतान कंपनी के बिजनेस को पहले समझते हैं। ये एक अल्कोहल सेगमेंट में काम करती है, मैंने वेबसाइट खोल रखा था। इसके कुछ ब्रांड्स हम देख लेते हैं, कुछ ब्रांड्स आपको पता होगा कुछ शायद पता ना हो। ठीक है, तो पॉपुलर ब्रांड्स में ये है, कोई रामपुर नाम है, 8 PM है, फिर आफ्टर डार्क है, रीगल टैलोंग है, वाइट हॉल है। तो ऐसे इसके कुछ कुछ ब्रांड्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पता होगा नहीं होगा, कुछ विस्की में है, कुछ ब्रांडीज में है, कुछ रम में है। ये मैजिक मोमेंट्स थोड़ा पॉपुलर है, ये आपके वोडका सेगमेंट में है। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये मुझे नहीं पता ये क्या RTD इलेक्ट्रा क्या होता है मुझे नहीं पता, पर ये इसी सेगमेंट में ऐसे सेगमेंट में ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके अपने और भी ब्रांड्स हैं, जिसमें से आप 8 PM तो ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो हो सकता है इस प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस होंगे। रम में हमने कॉन्टेसा का अलग बॉटलिंग यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है पहले से, तो हो सकता है कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एक्सपोर्ट करती हो इंटरनेशनल मार्केट में। तो सेम ब्रांडी का भी है, वोडका का भी है, विस्की का भी है, रम का भी है, और ये जो भी RTD इलेक्ट्रा जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, पर इनका इंटरनेशनल है। डिफेंस के लिए भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाते हैं जो सिर्फ डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है उसका बॉटलिंग कुछ अलग होगा या कुछ उनकी कंसिडरेशन अलग होती होगी, पर बेसिकली ये कंपनी अल्कोहल सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करती है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को कैटर करती है। यहाँ पे ब्रांड्स देखें तो 1965 है, ये जो है ये मैंने नहीं देखा था पिछले, ट्रॉपिकाना है रम में, नेपोलियन ब्रांडी मैंने नहीं देखा था पिछले, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ये सिर्फ डिफेंस के लिए बनाते हैं शायद। और देखा जाए तो ये ब्लैक जो भी है, ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, पर ये जो भी वाइन है ये भी शायद सिर्फ डिफेंस के लिए बनता है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट अपने बना रखे हैं जो मल्टीपल सेगमेंट में काम करते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ विस्की हो गया, रम हो गया, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एल्कोहल बनाते हैं और ये सेल करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा सा इनके एल्कोहल का बिजनेस है, मल्टीपल सेक्टर में करते हैं। ठीक है, ये हो गया बिजनेस के बारे में। अब देखते हैं फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल वाइज कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 6,859 करोड़ की मार्केट कैप है। जो इसका करंट प्राइस है 514 है, ये काफी करेक्ट हुई अपने हाई से मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टॉक पी 28.4 है, जो कि एक्चुअली आप देखेंगे पीयर ग्रुप के हिसाब से तो अच्छी पी है। ROC ROE ठीक ठाक है, 18.4 17.3 का ROE ROC ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम दिख रहा है, नॉर्मली में 50% से नीचे रहता है तो मुझे हमेशा वो कम ही दिखता है, पर इसके बारे में नीचे देख लेंगे एक बार हम लोग। FII का DII का कितना ज्यादा इसमें होल्डिंग ऑलरेडी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कुछ स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है जिसका प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, पर FII DII का इतना ज्यादा है कि इवेंचुअली लगता है कि मतलब ज्यादातर कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। ठीक है, डेट इनके पास सिर्फ 310 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट जो है 228 करोड़ का इनके पास है, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं डेट के साथ, तो ये चाहे तो पे कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0.19 का है जो कि काफी कंट्रोल में है। ठीक है, और हम देखें अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को, ठीक है क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो जून 2020 में इनका ये हुआ था लॉकडाउन की वजह से सेल्स घट गया था, लोएस्ट था लास्ट 12 क्वार्टर में देखा जाए तो। इसके बाद बढ़ा सितंबर में 630 करोड़ का, इसके बाद दिसंबर में 684 करोड़ का, तो ये बढ़ रहा था। इसके पहले भी इन्होंने कुछ खराब अच्छा खासा ही सेल्स इन्होंने दे रखा है पहले क्वार्टर्स में भी। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखेंगे तो इन्होंने काफी ग्रो किया है, मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 तक 653 करोड़ से जर्नी इनके चालू हुई थी, और हर साल इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है सेल्स से बढ़ाया ही है। 6777 करोड़, 923 1112, 1210, 1378, 1400 करोड़, 1643 करोड़, 1657 करोड़। तो चाहे जो भी हो,
इन्होंने हर हर साल अपना सेल्स बढ़ाई है। ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ से ये लास्ट मार्च 2020 से कम है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जून का इम्पैक्ट था उसकी वजह से ये कम हो गया। तो जब हम नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और जून जब हम निकाल लेंगे उसमें से, तब जो ट्रेलिंग 12 मंथ होगा बहुत ज्यादा होगा। तो ये फिर भी देखें तो जून क्वार्टर में बिल्कुल सेल्स कम होने की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। डिफरेंस अराउंड 85-86 करोड़ का ही डिफरेंस है, अराउंड 86 करोड़ का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लॉकडाउन होने के बावजूद। इसका मतलब ये होता है कि देखिए मार्केट वाइज क्या है, अल्कोहल ऐसी प्रोडक्ट है जो अगर एक बार जिसको पीना है उसको पीना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, जिसको पीना है उसको पीना है, ऐसा सीन है। हमने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था तब भी लोगों ने किलोमीटर तक का लाइन लगा दिया था शॉप के बाहर और खरीद के रख लिया था। जब अल्कोहल शॉप ओपन हुए थे, सबसे पहले लॉकडाउन के बाद कुछ ओपन हुआ तो अल्कोहल का शॉप ही ओपन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी काफी अच्छी इसमें से ड्यूटी मिलती है और टैक्स मिलता है, बहुत भारी टैक्स लगा हुआ रहता है, 200% तक का टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा कमाती है अल्कोहल, इसलिए उन्होंने इसको ओपन किया। और जिस दिन ओपन किया था, हम सबने देखा था कि दिल्ली में भी 2-2 किलोमीटर तक का लाइन लगा हुआ था, लोग वेट कर रहे थे अल्कोहल खरीदने के लिए और भर भर के लोग ले जा रहे थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, हर स्टेट में यही कंडीशन था। तो ये अल्कोहल एक ऐसी चीज है और अभी इसको हर कोई पी रहा है, चाहे आप बोले मेल बोलिए या फीमेल बोलिए, एक रेशियो दोनों का ही इसमें है पीने में, ठीक है। और जैसा मैंने कहा एक चीज ऐसी है कि अगर आपको चाहिए तो चाहिए, आप फिर होता है ना लोग अपना घर द्वार ही बेच देते हैं दारू के चक्कर में, तो वो सीन है अल्कोहल का लेके। तो ये मार्केट जो है, इस मार्केट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा, ठीक है। तो पीने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और इनका सेल्स भी ओवरऑल बढ़ता जाएगा, और जिसका ब्रांड बन रखा है ऑलरेडी वो मार्केट अच्छा खासा कैप्चर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल सेक्टर के बारे में। तो अल्कोहल सेगमेंट, चाहे वो रेडिको खेतान बोलिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स बोलिए, ग्लोबल स्पिरिट्स बोलिए, जो भी कंपनीज हैं, सबका कहानी सेम है। ओवरऑल सेक्टर जो है, सेक्टर ग्रो ही करने वाला है, और सेक्टर पे चाहे कोरोना हो, चाहे आपका कोई और भी पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, जो भी, उससे खास कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ग्रोथ के ऊपर, ये आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बैक टू द नंबर्स, अगर हम प्रॉफिट लॉस का ईयरली जो मैं बोल रहा था, तो 653 करोड़ जर्नी चालू की है, 2309 करोड़ तक का इन्होंने जर्नी कवर किया है लास्ट 11 साल में। तो ये ऑलमोस्ट 4 times का ग्रोथ हुआ है पेंडेमिक को इंक्लूड करके भी, ठीक है। नेट प्रॉफिट का भी देखेंगे तो सेम है, 7 करोड़ चालू हुआ था, कंटिन्यूअस बढ़ा है, बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन फिर हर ईयर ऑन ईयर 73, 80, 123, 188, 228, 235, हर साल इनका जो है नेट प्रॉफिट वो बढ़ते रहा है जब से बिजनेस इन्होंने 2009 से यहाँ पे जब दिख रहा है हमें, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ग्रोविंग कंपनी है, ठीक है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व्स इनका मार्च 2009 में सिर्फ 210 करोड़ का था, अब इनका जो रिजर्व है वो 1583 करोड़ का हो गया है। तो अराउंड ये 7.5 गुना का रिजर्व हुआ है लास्ट 11 साल में, सो काफी अच्छा ग्रोथ है रिजर्व के हिसाब से देखा जाए तो। बोरोविंग्स इनकी कंटिन्यूअसली कम हुई है, 960 तक देखा जाए, मार्च 2016 में 960 करोड़ थी, इसके बाद 799 करोड़, फिर घट के 592 करोड़ हो गई है, फिर घट के 337 हुई है, फिर घट के 400 करोड़ हो गई है, ये लॉकडाउन इफेक्ट में इन्होंने लोन लिया होगा, फिर ये घट के 310 करोड़ हो गई है। तो जो भी इन्होंने लिया था लोन उन्होंने वापस पे करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो बोरिंग्स भी घट रही, जिसकी वजह से जो है इसका इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट भी घटा रहा है। इंटरेस्ट हम देखें तो 85 करोड़ से आप देखेंगे 90 करोड़ से 2015 में से 90 करोड़ से 85 हुआ, 85 से 81 हुआ, 81 से 69 हुआ, 36, 32, 26, अब सिर्फ 26 करोड़ का इंटरेस्ट ही इन्होंने पे किया है इस ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो इनकी बोरोविंग घटती जा रही है और इंटरेस्ट रेट भी इनका जो इंटरेस्ट पे करते हैं बोरोविंग के ऊपर वो भी घटते जाता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है इनका, ठीक है। इन्होंने करंट वर्क इन प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, अराउंड 32 करोड़ का इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ये या तो डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, कुछ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी जो है वो ग्रोइंग भी है, और कंपनी जो है फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए उनका प्लान भी है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कंपनी का जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद में 40% है प्रमोटर के पास, लेकिन FIIs के पास 19.46% है, जो कि बहुत ज्यादा है। DIIs के पास 17.1% है, इन दोनों का मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 36.5% का स्टॉक तो FIIs ने होल्ड कर रखा है। तो ऑलमोस्ट प्रमोटर के बराबर ही इन लोगों की कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में रखा हुआ है। पब्लिक के पास सिर्फ 23% है, उसको भी एक्सपेंड कर देंगे तो जनरल पब्लिक के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स को हटा के अराउंड सिर्फ करीब करीब 20% के आसपास ही पब्लिक के पास है, ठीक है। तो ये स्टॉक ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा है,
फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर के प्लान अच्छे हैं, ज्यादा कुछ खास बोरोविंग है नहीं, इसकी वजह से इंटरेस्ट कम है, जिसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे भी पड़ रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस का सेक्टर जो है काफी अच्छा है, जो डूबेगा नहीं कभी, बिजनेस काफी अच्छी है जो ग्रोथ कर रही है। अब देखते हैं चार्ट का क्या सीन है। तो ये मैंने मार्किंग कर रखी है पहले से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कोरोना जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रही थी पर ये वापस लुढ़कना नीचे चालू हो गई है। तो ये इस करेंट प्राइस पे, ये करेंट प्राइस जो है ये है। अगर मैं इसको सबको हटा दूं और दोबारा से ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो करेंट प्राइस है, करेंट प्राइस हो गया हमारा ये, तो ये हमारा एक करेंट प्राइस है, ठीक है। 52 वीक का जो हाई है, कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, जैसा मैंने कहा था 52 वीक का हाई जो है ये करीब करीब इस पॉइंट को टच करके ही वापस आई थी। हम एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम क्वार्टरली सेल्स को देखें दोबारा जाके, तो इन्होंने जो सेल्स किया है 684 करोड़ का, इनका हाईएस्ट एवर है लास्ट 12 क्वार्टर में। सबसे ज्यादा सेल्स इन्होंने अभी किया है और सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट भी इन्होंने इसी क्वार्टर में बुक किया है। तो जब सबसे ज्यादा सेल्स और नेट प्रॉफिट बुक किया है, तब इनका प्राइस जो है वो भी सबसे ज्यादा 52 वीक हाई पे पहुंच गया था, पर कोरोना की वजह से जो भी नीचे आना चालू किए हैं तो ये एक गैप सा बन गया है। हो सकता है इसके बाद स्टॉक और भी नीचे आए अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और लॉकडाउन हर जगह लगने लगा। तो एक चीज मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ये एक इनका बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंस था पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो कंपनी यहाँ पे गई फिर वापस आ गई, यहाँ जस्ट ऊपर गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर गई फिर से नीचे आ गई, ठीक है। और इस टाइम पे इस कंपनी ने अपने जो रेसिस्टेंस था, जो काफी दिनों से चला रहा था, इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गई। और जब ये ऊपर निकल गई और वापस आना चालू करी है, तो एक तो सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं है पहला वाला, ये जो है, ये जो लाइन मैंने खींच रखा है, ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर यहाँ से कंपनी मूव कर नीचे आती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट का मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक तो करेंट प्राइस से आप देख सकते हैं, तो करेंट प्राइस का नहीं, ये नहीं, सॉरी, करेंट प्राइस से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली एक ये है, ठीक है, अराउंड 30% तक का अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसमें, ठीक है। और ये बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर ये जैसे कोरोना केसेस बढ़ते भी हैं तो भी कंप्लीट लॉकडाउन कहीं नहीं होगा, ये पार्शियल लॉकडाउन ही होगा और स्टेट वाइज लॉकडाउन होगा। पर लॉकडाउन होता है तो, और दारू की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, तो लॉकडाउन जब होता है तो लोग घर में बैठेंगे, तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो एक मतलब इसका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, तो एक 30% का ऐसा कोई श्योर शॉट गेन है अगर इससे नीचे आता है यहाँ से कोई भी तरह से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस है वो ये पॉइंट होगा, और इसके बाद से जो गेन है वो श्योर शॉट आपका अराउंड 50% का गेन आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं एक चीज दिखा दूं आपको कि अगर मान लीजिए आप टूटता, बोले अगर टूटता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये टूटता है यहाँ से, ठीक है, अगर ये टूटता है यहाँ से, तो टूटने के बाद में आपको नुकसान कितने का है, गैप कितने का है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको ठीक है, अगर आपको नुकसान है सिर्फ 12.5% का, पर अगर आपको फायदा होता है अगर यहाँ से, तो आपको 50% का फायदा होगा। तो आप या तो अभी इन्वेस्ट कर लें करंट पॉइंट पे, तो आपको फायदा जो होगा वो करीब करीब 30% का होगा, और नहीं तो अगर आप वेट करते हैं, आप वेट करेंगे तो शायद नीचे आए भी और शायद ना भी आए, शायद वहीं यहीं से वापस मुड़ जाए, ठीक है, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP इन्वेस्टिंग क्या होती है, मैंने वीडियो बना रखा है, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड में भी छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। SIP वे में इन्वेस्ट कीजिए, पहले आप इस प्राइस पे इन्वेस्ट कीजिए, अगर कंपनी गिर रही है तो वेट कीजिए इस पॉइंट को टच करने का, या फिर आप बीच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो आप इस पॉइंट इन्वेस्ट कीजिए, और दोबारा इससे टूटना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है एक्चुअली, अगर पहुंच जाता है तो यहाँ से टूटना बहुत मुश्किल है। इसी रेंज में रहेगी, ज्यादा रहेगी तो इस रेंज में ही स्टॉक घूमेगी, और इसके बाद यहाँ से आपको आराम से करीब 50% का गेन आपको आराम से मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से ये एक साल भी नहीं लगेगा 50% पहुंचने में। तो एक साल में 50% का श्योर शॉट प्रॉफिट ऐसे सेक्टर में, जो सेक्टर कभी गिरेगा नहीं, एक अच्छी रिटर्न होता है, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको 50% का गारंटी रिटर्न दे सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो आपको खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी अपना रिसर्च जरूर कर लें, अपनी अपने हिसाब से समझदारी जरूर दिखाएं खरीदने के पहले, ठीक है। तो ये एक मेरा एनालिसिस वीडियो था, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फीडबैक है आपका कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अपनों का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।